रोजाना सुबह सुबह आप लोग 10 मिनट ये योग अभ्यास प्रैक्टिस करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका पूरा दिन एनर्जी से भरा रहेगा। इस योग अभ्यास से आपका वजन भी कम होगा, इस योग अभ्यास से आपके इंटरनल ऑर्गन्स की मसाज होगी, पूरे शरीर में ब्लड का सर्कुलेशन इम्प्रूव होगा। तो शुरू करेंगे आज की ये 10 मिनट की वीडियो, नियमित रूप से इसको आप अभ्यास कर सकते हैं अपने दैनिक जीवन में। नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल वीरेंद्र स्ट्रेंथ योगा, माय नेम इज़ वीरेंद्र कुमार। तो आप सुन ही चुके हैं, हम ये एक 10 मिनट का योग फ्लो बना रहे हैं, आसन करके दिखाएंगी पूजा जी और मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। शुरू करते हैं अपनी वीडियो, ज़्यादा समय नहीं लेंगे। उससे पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में एक बेल आइकन होता है उसको भी दबा दीजिए, जिससे कि इन फ्यूचर हम कोई भी वीडियो पोस्ट करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो, ठीक है पूजा जी। चलिए मैट के कॉर्नर पे आ जाइए, आराम से दोनों हाथ लगाइए नमस्कार मुद्रा में, सांस भर के दोनों हाथ ऊपर उठाएंगे, थोड़ा पीछे जाइए इस तरह से, यहाँ पे रुके, सांस छोड़ के नीचे जाइए धीरे से। इससे पहले थोड़ा आप वार्म अप कर लें, थोड़ा जंपिंग कर लें, इस तरह से जॉगिंग कर लें, जंपिंग कर लें, ये कर सकते हो आप। एक बार फिर से दोनों हाथ ऊपर उठा के पीछे जाइए, सांस भर के, सांस छोड़ के नीचे जाइए, सांस भर के फिर से ऊपर जाइए, गो बैक, सांस छोड़ के नीचे जाइए, नीचे रुक जाइए, घुटने मोड़िए, चेयर पोज में आ जाइए, दोनों हाथ ऊपर उठा लीजिए, कमर गर्दन सीधी इस तरह से। ये घुटने आपके टो से आगे जा रहे हैं तो आपके घुटने इंजर्ट हो जाएंगे, पीछे करो और ऊपर जाओ, थोड़ा ऊपर जाइए, ऊपर जाइए और ऊपर जाइए और पीछे बैठिए, हाँ इस तरह से रुकना है। अब यहीं से दोनों हाथ नीचे रखिए, यहाँ से राइट लेग बैक, लेफ्ट लेग बैक, घुटने नीचे लगाइए, चेस्ट एंड चिन डाउन, इनहेल कोबरा पोज, एक्सहेल डाउन, वन अप, टू अप, थ्री अप, फोर अप एंड होल्ड। अब यहीं से जाइए माउंटेन पोज, पर्वतासन, राइट लेग को राइट हैंड के बाहर लाइए, ऊपर देखिए, हिप्स को नीचे पुश करिए इस तरह से, इनहेल करके एक्सहेल करके पीछे ले जाइए इस पैर को, जितना आगे आपका पैर जा रहा है, अगर आपका इतना आगे नहीं जा रहा है कोई बात नहीं, जहाँ तक जा रहा है फिर दूसरा पैर आगे लाइए, ऊपर देखिए। तो ये देखिए जितने भी पोजेस मैं बता रहा हूँ, आपका ब्लड सर्कुलेशन आपके पैरों के पंजों से लेकर सिर तक माउंटेन में जाइए, और ये आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम से संबंधित भी समस्याओं को ठीक करेगा, आपके थाई पे चर्बी होगी उसको भी ठीक करेगा। दूसरा पैर आगे लाइए, इनहेल एक्सहेल पीछे, इनहेल दूसरा पैर, एक्सहेल पीछे, इनहेल एक्सहेल पीछे, इनहेल एक्सहेल, यहीं पे माउंटेन में रुक जाइए, घुटने नीचे लगाइए, घुटनों पे खड़े हो जाइए, पीछे मैट के बीच में आइए, दोनों पैरों के बीच में गैप बनाइए, दोनों हाथ सामने, अब राइट हैंड को राइट हील पे रखो और लेफ्ट हैंड को लेफ्ट हील पे रखिए, हिप्स को आगे पुश करो जितना पुश कर सकते हो, ओपन योर लंग्स, जॉइन योर शोल्डर ब्लेड्स और ऊपर देखिए, 5 4 3 2 1 कम बैक, रैबिट पोज में जाइए। तो इसमें हम आपको हमने देखा आप बैक बेंडिंग भी कराया, फॉरवर्ड बेंडिंग भी करा रहे हैं रैबिट में, यस, दोनों हाथ आगे खींच के रखो, स्पाइन स्ट्रेट, सामने देखिए, सामने देखिए, यस। अब यहीं से ऊपर आइए, पीछे बैठ जाइए, दोनों पैर आगे स्ट्रेच करें, सांस भर के दोनों हाथ ऊपर उठाइए, सांस छोड़ते हुए होल्ड योर टोज, पेट अंदर, सांस छोड़िए और थोड़ा आगे जाइए, पेट अंदर करें जहाँ तक जा पा रहे हैं, और थोड़ा आगे जाइए, सांस भर के ऊपर, सांस छोड़ के फिर से नीचे, सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए फिर से नीचे, सांस भरते हुए ऊपर, दोनों हाथ पीछे रखिए, पैरों को मोड़िए, लिफ्ट योर बॉडी अप, ऊपर उठा लो जितना उठा सकते हैं, ऊपर देखिए और ऊपर जाइए, 5 4 3 2 1 हिप्स डाउन, फिर से ऊपर, डाउन ऊपर, डाउन नीचे, अब नीचे लेट जाइए, दोनों पैर आगे स्ट्रेट करके, दोनों हाथ हिप्स के नीचे लगाइए, ऑल्टरनेट लेग अप डाउन, एक बार राइट अप, एक बार लेफ्ट अप, डाउन दूसरा, 2 3 4 5 6 इसी तरह से करते रहें, 7 8 9
10, अब दोनों पैर ऊपर रोक लीजिए, ऊपर रोकिए थोड़ी देर, तो ये रिवर्स योगा पोज है। और जब भी आप पैर ऊपर करें तो एक दूसरे से इस तरह से मारिए, टैप करिए पैरों को, इस तरह से टैप करेंगे तो देखिए अगर किसी को वेरिकोस वेंस की प्रॉब्लम होती है या पैरों में सूजन रहती है या पैरों में दर्द होता है, घुटनों में दर्द होता है, उसके लिए बहुत अच्छा है क्योंकि ये ब्लड सर्कुलेट कर रहा है आपके हार्ट की साइड, ठीक है। अब यहीं से दोनों पैरों को मोड़िए, दोनों हाथ दोनों साइड खोलिए, अब दोनों पैरों को ऊपर इस तरह से मोड़ के रखिए, यहाँ पे घुटने आप गिराइए अपने लेफ्ट साइड, फेस राइट साइड इस तरह, फिर ऊपर आइए, पैर ये 90 डिग्री रहेंगे, दूसरी साइड जाइए, फिर ऊपर आइए, दूसरी साइड जाइए, ऊपर आइए, दूसरी साइड जाइए, ऊपर आइए, दूसरी साइड जाइए, एक बार और ऊपर आए, दूसरी साइड जाएं, ऊपर आइए, दोनों पैर सीधे, थोड़ा ऊपर हो जाइए मैट पे, दोनों पैरों को मोड़िए, नीचे ज़मीन पे रखिए, दोनों हाथ नीचे लाइए इस तरह से। नाउ लिफ्ट योर हिप्स अप, हिप्स ऊपर उठाओ, यहीं से कंधे नीचे रहेंगे जितना ऊपर उठा सकते हैं, एक्सहेल डाउन, थोड़ा सा हाथ और नीचे कर सकते हो आप, पैर नीचे अंदर, हाँ फिर से आप इस तरह डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन, ऊपर रुक जाओ, अब दोनों हाथों से अपने हिप्स को पकड़ लीजिए, ऊपर उठाइए, हाँ ऐसे ही, अब यहीं से अपना राइट लेग बेंड करो ऊपर उठा के इस तरह, और ऊपर उठा लीजिए, टो पॉइंटेड अप, 5 4 3 2 1, नीचे जाइए, दूसरा पैर लाइए ऐसे इस तरह, 5 4 3 2 1, नीचे ले जाइए, दोनों पैरों को अब हिप्स डाउन, दोनों पैरों को कस के हक कर लीजिए, पवन मुक्त आसन, स्पाइन को थोड़ा मसाज करें, राइट लेफ्ट अप डाउन, राइट लेफ्ट अप डाउन, अब यहाँ से एक साइड करवट लेके ऊपर बैठ जाइए, फेस सामने उस साइड, थोड़ी देर बटरफ्लाई करना है रोज़ाना नियमित रूप से, ये बटरफ्लाई भी आपको रोज़ाना करना चाहिए क्योंकि देखिए ये जब आप बटरफ्लाई करते हैं तो आपके लोअर बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है, लोअर बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ने के साथ साथ रिप्रोडक्टिव सिस्टम से संबंधित समस्याएं जितनी भी होती हैं आजकल यूथ में बहुत होती हैं, वो सारी समस्याओं को ठीक करने के लिए बहुत हेल्पफुल होता है ये बटरफ्लाई, और आपकी जो जननांग है प्रजननांग है उनकी शक्ति को बढ़ाता है, ठीक है। 2 से 3 मिनट ये करें, उसके बाद फिर दोनों पैरों को खोल लीजिए, दोनों साइड जितना आराम से खोल सकते हो, और अब हमें ट्विस्ट करना है, राइट हैंड से लेफ्ट टो टच करना है एंड लेफ्ट हैंड बैक, नाउ कीप चेंजिंग, एक्सहेल दूसरी साइड, फिर दूसरी साइड, इनहेल एक्सहेल, तो इसमें देखिए हमने फॉरवर्ड बेंडिंग भी किया है, बैक बेंडिंग भी किया है, इसमें हमने रिवर्स योगा पोजेस भी किए हैं, तो ये आपकी पूरी बॉडी के लिए नियमित रूप से करें, पूरे शरीर में एनर्जी आएगी, इस योगा फ्लो को आप फॉलो करें, ये 30 सेकेंड करें, इसको चाहो तो 2 से 3 बार आप रिपीट कर सकते हो, उसके बाद सीधे बैठ जाइए, कमर गर्दन सीधी करके पालथी लगा के बैठिए, राइट हैंड से लेफ्ट नी पकड़िए और पीछे का हाथ पीछे ट्विस्ट करो पूरा, जितना ट्विस्ट कर सकते हैं इस तरह, नाउ सेंटर, आप दूसरी साइड जाएंगे, नाउ सेंटर इस तरह से। तो ये अभ्यास अगर आप नियमित रूप से करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी फ्लेक्सिबिलिटी भी बढ़ेगी, स्ट्रेंथ भी बढ़ेगा, स्टेमिना भी बढ़ेगा, आपके जो सिस्टम्स हैं इंटरनल सिस्टम ऑर्गन्स उन सब पे काम करेंगे ये पोजेस। आपने हमारे साथ अभ्यास किया, बताइएगा कमेंट करके कैसा लगा, अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो को, और किसी टॉपिक पे हमसे वीडियो बनवाना चाहते हैं तो कमेंट करके बता दीजिए, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।